मैनपुरी पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से 12 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस बड़ी मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के चलते मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर और मुखबिर की सूचना पर दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के पास से 1 क्विंटल 66 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किए गए हैं। ये घटना मैनपुरी बॉर्डर पर किशनी पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर सरिया बॉर्डर पर पहुंची। पुलिस को सूचना थी कि एक संदिग्ध ट्रक आ रहा है। चेकिंग के दौरान ट्रक को घेर लिया गया और तलाशी ली गई तो ट्रक में 4 बोरियों में करीब 5 किलोग्राम के पैकेट मिले। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि इसमें गांजा है जिसे हम उड़ीसा से लेकर आ रहे हैं। अभियुक्तों ने कहा कि हम उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लेकर आते हैं और इस एरिया में महंगे दामों में बिक जाता है। गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपया बताई गई है। अभियुक्तों के कब्जे से गांजा और एक ट्रक बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट, पी न्यूज। सराज किसने पुलिस ने एक अवैध गांजा सहित दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, बड़ी सफलता हासिल की, क्या प्रॉब्लम? ये प्रकरण थाना किसनी का है। आज थाना किसनी पुलिस और सर्विलांस टीम को एक जो है ट्रक में जिसमें कांच का स्क्रैप लदा हुआ था और इसी में नीचे गांजा रखा हुआ था, इसके बारे में मुखबिर और सर्विलांस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा इसको जब ट्रेस किया गया तो ये ट्रक संख्या जो है UP 75 BT 2681 ये पकड़ा गया। इसकी तलाशी ली गई तो इसमें लगभग 4 बोरियों में 5 किलोग्राम के लगभग 32 पैकेट तलाशी मिले। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा। सर, अनुमानित गांजे की कीमत कितनी है? इसकी कीमत लगभग जो है कितनी होगी? लगभग 12 लाख रुपए कीमत होगी और इसमें दो अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए।